एकादशी इतिहास उसका विसर्जन बहुत शांततापूर्वक हुआ और सभी ने सहयोग कर किया है और बहुत ही शांततापूर्वक विसर्जन हुआ है। सभी गाँववासियों का, सभी गणेश भक्तों का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। जब ये गणपति बैठते थे उस टाइम में यहाँ तीन जगह कुत्ते होती थी, राम मंदिर में, सराय में और अच्छा। बाद में माधोरा साठे के जीन में। हाँ, दिन का जो त्यौहार रहता अपने गांव में अजंटे में तो अक्सर सभी धर्म के त्यौहार अच्छे मनाए जाते। तो अजंटा राम मंदिर के जो अध्यक्ष है तो उन्हीं से हम बात करने वाले हैं। तो वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अजंटा के एपीआई साहब अजंटा पुलिस स्टेशन के यहाँ पहुँच चुके हैं। वागुर नदी मदन काका गणेश डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, तो इनसे जानकारी लेंगे। अभी एक घंटा है ना, तो एक घंटे में पूरा हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पहले वीडियो में आपने देखे, हमने जो बहुत से लोगों से बात भी किए वो वीडियो हमने अपलोड करे, वो जाके देख सकते हैं। तो प्रसाद काका हमारे साथ है, प्रसाद काका से हम बात करने वाले। तो प्रसाद काका क्या बोलना चाहिए गणपति विसर्जन के बारे में? गणपति विसर्जन के बारे में पहले सबसे पहले हम जब ये गणपति बैठते थे उस टाइम में यहाँ तीन जगह कुत्ते होती थी, राम मंदिर में, सराय में अच्छा। और बाद में माधोरा साठे के जीन में। हाँ। जैसा लोगों ने ज्यादा आना, आजू बाजू के देहात के लोगों ने मजमे में लोग ज्यादा देखना, ये उसके पीछे की भूमिका थी। अच्छा अच्छा। अब वो उसके बाद होते होते क्या हुआ कि बाद में वो बहुत लेट होने लगा, अब 11:30 विसर्जन। तो दोस्तों हमारे दोस्त विक्रम भाई से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। जो गणपति विसर्जन होता था, बहुत से स्पोर्ट्स के खेल भी होते थे, उसमें प्रोग्राम होते थे। अभी हमने प्रसाद काका से भी बात की है, वीडियो में देखे आपने, तो क्या बोलना चाहेंगे विक्रम भाई आप? ये जो गणपति के 10 दिन का जो त्यौहार रहता अपने गाँव में अजंटे में तो अक्सर सभी धर्म के त्यौहार अच्छे मनाए जाते। गणपति है, ईद है, दिवाली है, दशहरा है, तो अच्छे त्यौहार यहाँ मनाए जाते। तो उसमें गणपति का जो 10 दिन का त्यौहार था ये साल भी अच्छा माहौल था। और ये बारी को जो गणेश महासंघ जो राम मंदिर में अभी चालू, जो परंपरा बंद थी पीछे लेकिन पिछले साल से चालू हुई, तो गणेश महासंघ के अंतर्गत जो मंदिर है तो उसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम लिए गए 10 दिन। बच्चों के परफॉर्मेंस करे, बच्चों ने किसने गा जैसा गीत गाया, डांस करे, तो अच्छा प्रोग्राम हुआ और मिरौनक भी अच्छी हुई। इतना कि थोड़ा बहुत बच्चों का एक उत्साह रहता है, वो हिसाब से थोड़ा बहुत लेट होगा, लेकिन सब अच्छा हुआ। और इसमें प्रशासन ने भी अच्छी मदद करी, जैसा भाई पुलिस प्रशासन है वहाँ से, नहीं तो जो महसूल प्रशासन है, जो भी गवर्नमेंट के है, तो उन्होंने सब अच्छा सहयोग करा और गाँव का भी माहौल अच्छा था। सब जाति धर्म के लोगों ने इसके अंदर अच्छा इन्वॉल्व होके अच्छा रहा, अच्छे से संदेश दिए, शांति का संदेश दिए। तो दोस्तों फिर से हम जो हमारे विक्रम भाई से एक सवाल है हमारा, तो विक्रम भाई ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अभी जो हमने अपने बचपन में जो था, हम जब कुश्ती खेलते थे, कुश्ती का अखाड़ा भी होता था, तो कुश्ती का अखाड़ा क्यों बन, क्या वजह से? कुश्ती का अखाड़े का पहले अपन राम मंदिर में बनाया जाता था जी, लेकिन राम मंदिर में माहौल भी अच्छा रहता था, खेड़े पड़े के लोग आते थे। देखो अभी अपन ने वो जमाने में देखे हुए कि राम मंदिर के अंदर अच्छा बोले तो बहुत दूर से खेड़े से गाँव से आते थे, शिवने के पहलवान आते थे, हल्दी के पहलवान आते थे और अच्छा माहौल होता था। लेकिन मंदिर के अंदर अभी जो बड़ा कार्यालय बनाया हुआ है, और फिर दूसरी बात कि वैसा यहाँ जगह ऐसी नहीं है कि जैसा भाई कुश्ती का अखाड़ा, तो अपने यहाँ अपन तुम्हारे न्यूज़ के चैनल से अपन पंचायत को भी एक ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते कि एखादा बड़ा एक सांस्कृतिक मंडल के हिसाब से, भाई गाँव के हिसाब से, हाँ कि भाई एखादा अच्छा बड़ा सभागृह या तो कुश्ती का मैदान ऐसा इन्होंने करने को होना कि जिसकी वजह से फिर बाहर गांव के भी लोग और वापस आना शुरू करेंगे, जैसा ईद के टाइम में जैसा भाई वहाँ भी कुश्ती होता था। हाँ, तो सैयद आरिफुद्दीन नाना सरकार के जो उरस के मौके पे कुश्ती होती थी, उसके बाद यह होती थी, तो वो अभी वो करने को होना, तो बिल्कुल अभी तो स्टार्ट कर दिया उरस के मौके पे। पर ये एक जो एक अच्छा मैसेज जाता गांव से भी, अच्छा मैसेज जाता सारे जगह दूर से, बहुत दूर दूर से पहलवान आते, बहुत से जगहों से आते। तो दोस्तों विक्रम भाई से हमने बात करे, तो हमारे फिर से एक बार जो हम लक्ष्मण भाई से भी बात करने वाले, तो दोस्तों बने रहना चाहिए आपने, जो पूरी गांधी चौक से जब भी है तो पूरी जानकारी आपको हम देने वाले, तो वागुर नदी तक विसर्जन हुए तक पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले, बने रहे। हमारे दोस्त है लक्ष्मण भाई, तो अजंटा राम मंदिर के जो अध्यक्ष है तो उन्हीं से हम बात करने वाले हैं। तो प्रोग्राम होते थे गणपति 10 दिन बैठता था, और 10 दिन के अंदर जितने भी प्रोग्राम को अंजाम दिया जाता था, बाहर बाहर से दो लोग आते थे
पूरे उसमें मशहूर था है, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? कुश्ती का प्रोग्राम ने हमने जो प्रसाद काका से भी बात की है, विक्रम भाई से भी बात की है, आप जैसा अध्यक्ष है तो आपसे हम बात कर रहे हैं। अभी 20-30 साल पहले गणेश महासंघ की स्थापना हुई थी, तो वो टाइम में जो गणेश महासंघ था क्या, उसमें कोई मनोरंजन का साधन नहीं रहता था, पब्लिक के पास मोबाइल नहीं थे, ऐसे नहीं थे, तो वो दौर में ऑर्केस्ट्रा, डांस, लाइव नाटक, तमाशे, ऐसे जो कार्यक्रम होते थे वो टाइम में वो जो कमिटी थी वो लाते थे। अब ये पीछे 8-10 सालों से वो महासंघ उन्होंने बंद कर दिए थे, और उसके पहले वो कुश्तियाँ भी वो रहते थे, 2-3 जगह कुश्तियाँ होते थे, सब होता था। अब उसके बाद में ये 2 साल से हमने महासंघ की स्थापना करे, अब ये 2 साल से महासंघ की स्थापना करें तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, रोग निदान शिविर और बहुत से ऐसे सामाजिक उपक्रम रहेंगे, वो ऐसे वहाँ अभी हम रवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें से जो अच्छा हो सकता है अच्छे से अच्छा करने के, और अच्छे अच्छे जो डांस परफॉर्मेंस है, गायन है, ऐसे बच्चों के कंपटीशन वगैरह हम ले रहे हैं, तो उसमें कबड्डी स्पर्धा है, मैराथन है, अभी हम 2 साल से मैराथन ले रहे हैं, और जो पिछले साल हमने जिला स्तरीय महासंघ हमारा 1 नंबर में आया था, औरंगाबाद जिले में 1 नंबर पर हमारे महासंघ ने पदक हासिल किया था प्रथम कम्बाल का, तो इसके बाद में ये साल भी हमारे उसी हिसाब से कार्यक्रम हुए, इसी साल भी हमारे को पदक पहला नंबर में आएंगे ऐसा हमारे को आशा है। तो बिल्कुल यही आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्पोर्ट्स के गेम हो सकते हैं जो फिटनेस के लिए, अभी कैसा है अभी नौजवान नस्ल जो है मोबाइल में गिरफ्तार है, जो पबजी है, फ्री फायर है, बहुत से ऐसे गेम हैं जो उनके सेहत को नुकसान दे रहे, तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई हम भी सैयद आरिफुद्दीन नाना सरकार का जब उरस रिंगा तो हम उनकी कमेटी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भाई जितने भी स्पोर्ट्स के गेम है उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उसमें प्रोग्राम रखना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एजेंडा न्यूज़ के जरिए से क्या भाई, इस तरीके के जो बच्चे, हर समाज के बच्चे जो मोबाइल में गिरफ्तार हो गए, जैसा आपने बोले अभी पहले मोबाइल नहीं थे, अभी वो मोबाइल अलग तरीके का यूज़ हो रहा, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? अभी इससे पहले जो कार्यक्रम होते थे, हमने अभी गांधी चौक अजंता में थैला रेस, उसके बाद में साइकिल, स्लो साइकिल, उसे चमचा लिंबू जैसा, ऐसे जो मैदानी गेम है जो बच्चों को ये पहले खेलते थे मैदानी गेम, पर अब ये मोबाइल जो आने की वजह से ये मैदानी गेम बच्चे भूल चुके हैं, तो ऐसे गेम को प्रोत्साहन दे के ऐसे गेम लिए जाते हैं, कबड्डी है, खो खो है, तो हमने ये बच्चों से ये गेम खिलाए और उनसे वो कामयाब भी कर गए। तो ये हमने लक्ष्मण भाई से बात करें जो अजंता गांधी चौक राम मंदिर के जो अध्यक्ष है, उनसे हमने बात की, तो बने रहे दोस्तों पूरा, आपको जो गणपति विसर्जन आपको हम बताने वाले जो वागुर नदी के अंदर होने वाला है तो उसकी पूरी जानकारी देंगे। और अभी जो कितना टाइम लगे मदन काका? एक घंटा है ना, तो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा? हाँ, 1 घंटे में, आधे घंटे में आ जाएंगे, आधे घंटे में पूजा होगी। अच्छा, तो मदन काका जो गांधी चौक से लेके जो पूरी मिरोनी निकलती है तो किस रूट दूर से बोले तो मंदिर के पास से निकलती है? राम मंदिर के पास से पूरा चालू होती है तो जामा मस्जिद मार्ग, बालाजी गली, और अच्छा बालाजी गली से जामा मस्जिद के पास से सराय के पास से बालाजी गली, और बालाजी गली से डायरेक्ट यहाँ गांधी चौक से तेलीपुरा से बाद में यहाँ आती वागुर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अजंता के एपीआई साहब अजंता पुलिस स्टेशन के यहाँ पहुँच चुके हैं वागुर नदी। तो दोस्तों अभी टाइम देखिए जो 12 बजने के लिए 4 मिनट बाकी है, देखिए अभी हो रहा विसर्जन हुआ, थोड़े टाइम लगिया। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहे, विशाल भाई से भी हम बात करने वाले, नीलिया भाई से बात करने वाले, बहुत से लोगों से हम बात करने वाले जो कि विशाल भाई उप सरपंच है अजंता के, उनसे भी हम बात करने वाले इसमें, और फिर से लक्ष्मण भाई से भी बात करने वाले वीडियो में। लास्ट तक बने रहना चाहिए, आपने आप ही के लिए अपनी वीडियो बनाए। Oh yeah!
पुलिस स्टेशन के स्टाफ के हम लोग एपीआई साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो यहाँ मौजूद है। देखिए आप विसर्जन होना आरती हो रही विसर्जन कर रहे हैं भैया हम। अच्छा साढ़े ग्यारह बजे विसर्जन साढ़े ग्यारह बजे अभी तो 12 बज रहे 12 बज के 4 साढ़े बारह एक बजे तक पूरा हो जाएगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पूरी जानकारी आपको हमने दी अजंता न्यूज़ पर बने रहना चाहिए। हमारे निहार भाई हैं यहाँ तो नीलिया से बात करने वाले हैं हम। तो नीलिया भाई क्या बोलना चाहिए आज का जो विसर्जन हुआ जो गांधी चौक से होते हुए जो सराय से होते हुए जो पूरी जानकारी आपको हमने दी है तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए। ये गणपति विसर्जन के दिन पूरे गाँव में लोग आरती करते हैं पूरे गाँव में मीरों ने काढ़ी जाती है बस स्टैंड से इधर उधर से पूरे मंडल एक जगह गांधी चौक के अंदर जमा होते वहाँ से पूरे गांव में ग्राउंड मारा जाता है फिर नदी तरफ आता है माधुराव दादा साठे के जिम के बाजू आकर नदी है वागुर नदी उसमें आकर विसर्जन होता है। अब 11:30-12 तक विसर्जन हो जाएगा होने के बाद में गणपति डुबा कर सब पब्लिक घर को चल जाएंगे। अच्छा जो आप एक बात पूछना चाहता हूँ मैं कितने जो मंडल कितने हैं पूरे मंडल तकरीबन मैंने तो गिना नहीं है पर तकरीबन 10 मंडल है। अच्छा गणेश नगर खोलिया ये सब मिला के बस स्टैंड गांधी चौक में 2 गणपति है हनुमान नगर सराय कितने पूरे मंडल 10 मंडल मेरे को तो लग रहा है सर 13 या 12 मंडल है जो आपको देखिए। दोस्तों हमारे नीला भैसी में हमने बात करे तमाम लोग 13 मंडल तो जितनी है जो लोगों की उन्होंने जैसा भाई गरीब छोटे बच्चे है उन्होंने दूसरे बड़े गणपति में ला कर रख दिए ट्रैक्टर में। तुम्हारा बोलना सही है अरे भाई 13 मंडल है पन जो है तो भी इसे 10 ही पकड़े जाएंगे 10 ट्रैक्टर 10 मंडल ऐसा नियम के हिसाब से पब्लिक के हिसाब से वही पकड़ना पड़ेंगे। अब आरती चालू है गणपति विसर्जन हो गया है पूरे गाँव में रोन मार दिए सब जिसको भी घर के सामने गणपति आते हैं आरती करते सब तो चलते दोस्तों इस तरफ बताते हैं आपको आरती हो रही गणपति बाप्पा दोस्तों लास्ट सीन बता रहे हैं आपको विसर्जन का देखिए जो वागुर नदी में विसर्जन हो रहा है ये देखिए इस तरफ गणपति विसर्जन वागुर नदी गणपति बाप्पा सर से बात करिए विसर्जन अजंता गांधी चौक से होते हुए और जो वागुर नदी में हुआ तो क्या बोलना चाहिए लक्ष्मण भो बहुत ही शांतिपूर्ण से तरीके से विसर्जन हुआ ना कोई अनुचित प्रकार हुआ ना कोई झगड़े तंत्र की वजह से कुछ नहीं हुआ आराम से अभी विसर्जन हो रहा है और विसर्जन करके अभी सब तो मेरा ये बोलना है कि भाई सभी आपके जो जितनी भी कमेटी है आपका काम है जितने भी जो पानी के अंदर नहा रहे उनका काम है कि भाई आपने संभाल के उनको घर पे लेके चल जाना चाहिए। अभी जो एक्सपर्ट जो हमारे भोई समाज के लोग हैं हाँ वो उनको पहले बोल के रखे हुए यहाँ हाँ तो वो उनके हिसाब से वो मूर्ति विसर्जन करेंगे वो एक्सपर्ट लोग हैं उसके बाद हम सबको हिसाब से पूरे घरों को सब घर पे लेकर जाएंगे। तो ये लक्ष्मण सर थे हमने बात की संघ की कमेटी है अच्छा इसको निगरानी रख रही है। अच्छा तो लक्ष्मण सर से हमने बात की अभी देखिए सभी विसर्जन हो रहा है अभी तो चलते हैं दोस्तों पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। उप सरपंच विशाल भाई से हम बात करने वाले तो विशाल भाई क्या बोलना चाहिए आज का जो विसर्जन हुआ गणपति का अनंत चतुर्दशी थी आज उसका विसर्जन बहुत शांततापूर्वक और सभी ने सहयोग कर किया है और बहुत ही शांततापूर्वक विसर्जन हुआ है सभी गाँव वासियों का सभी गणेश भक्तों का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ।
तो दोस्तों वीडियो में तो आपने देखे, हमने पूरी जानकारी दी है आपको गांधी चौक से लेकर यहाँ तक वाघूर नदी तक गणपति विसर्जन के बारे में। ये देखिए सामने जो नज़र आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में शेयर करना चाहिए। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।